वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस आज आपके लिए लेकर आया है डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के तहत हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर दिन का जो न्यूज़पेपर है, स्पेशली द हिंदू न्यूज़पेपर, उसका डिटेल एनालिसिस वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज 6 अप्रैल का जो हमारा डिस्कशन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, चूंकि आज हमारी पहली क्लास है, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि एक्चुअली इन क्लासेस की जो मेथोडोलॉजी होगी वो किस तरह की होगी, ठीक है। मतलब कि हम क्लासेस जो लेंगे उसका किस तरह से हम लोग क्लास को प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, तो आखिर वो न्यूज़ में क्यों था। सो वी विल थिंक एंड वी विल डिस्कस दैट व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग वाज इट वाज इन न्यूज़। और न्यूज़ में है और आपके सिलेबस में वो पर्टिकुलर किस जगह पे फिट बैठ रहा है, लाइक GS1 में आएगा वो या GS2 में आएगा। बिकॉज अगर वो किसी सिलेबस में प्लेसमेंट उसकी नहीं हो रही है, देन दैट न्यूज इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस, ठीक है। तो वी विल ऑल्सो सी द सिलेबस प्लेसमेंट। उसके बाद हम लोग उस पर्टिकुलर न्यूज का कॉन्टेक्स्ट या फिर बैकग्राउंड। सो एनी न्यूज तो हमारा करंट इवेंट हुआ, अगर उस करंट इवेंट का कुछ बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट होगा तो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर न्यूज से अगर हम लोग निकाल सकते हैं तो हम लोग उस पर्टिकुलर चीज को भी डिस्कस करेंगे। देन अगर वो पर्टिकुलर न्यूज जो था वो मेंस ओरिएंटेड टॉपिक था, देन वी विल सी वन मेंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि क्या इस पर्टिकुलर न्यूज से किस तरह का मेंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है तो हम लोग लास्ट में हर एडिटोरियल एनालिसिस के लास्ट में वी विल सॉल्व सर्टेन प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन आल्सो। तो ये हमारी मेथोडोलॉजी होगी पूरी जो हम लोग इसी अकॉर्डिंग जो क्लासेस को अपने प्रोसीड करें। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट न्यूज। तो ये आप देखेंगे ये फ्रंट पेज पे आज के द हिंदू में लिखा हुआ है कि लेट डैम कमिटी कंटिन्यू फॉर अ ईयर। एक्चुअली ये है क्या, तो इसमें बेसिकली सेंटर ने सामने किसके सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बात रखी है, अपनी एक सजेशन रखा है कि जो मुल्ला पेरियार डैम के लिए एक कमेटी जो बनाई थी एडवाइजरी कमेटी, उस कमेटी को अभी एक साल और कंटिन्यू काम करने के लिए अलाउ किया जाए। ऐसा क्यों उन्होंने कहा है, बिकॉज एक साल के बाद जो हमारा नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है इट विल कम इन टू फोर्स। तो अभी हमने नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट जो पास किया 2021 में, उसके तहत हम लोग एक अथॉरिटी बनाएंगे नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, जो एक साल के बाद आज से एक साल के बाद वो क्या होगी इन्फोर्स हो जाएगी। तो उसके बाद जो वो एडवाइजरी बॉडी थी सुपरवाइजरी बॉडी है वो काम करना बंद कर सकती है। तो ये सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को सजेशन दिया है। अब इस पर्टिकुलर न्यूज का जो बैकग्राउंड है वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि सेंटर ने सजेस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट को टू लेट द मुल्ला पेरियार डैम सुपरवाइजरी कमेटी कंटिन्यू फॉर एन ईयर, एक साल तक इस कमेटी को चलने दिया जाए। ऐसा किसने रिक्वेस्ट किया है, सेंटर ने सजेस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगर इन्फॉर्मेशन की, तो आखिर मुल्ला पेरियार जो डैम हमारा है तो वो मुल्ला पेरियार डैम की थोड़ा हम लोग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को जाने कि आखिर ये पर्टिकुलर चीज किस चीज के बारे में बात इस न्यूज में किया जा रहा है। सबसे पहले मुल्ला पेरियार डैम जो है सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मुल्लयार एंड पेरियार रिवर, ये दोनों ही रिवर कहां पे टोटली लोकेटेड है, केरला में। तो केरला में ये पूरी तरह से ये जो डैम है वो लोकेटेड है हमारा मुल्ला पेरियार डैम। अब इसका हिस्टोरिकल और एस्पेक्ट देखेंगे तो इट वॉज बिल्ट इन द लेट 1800s, और ये जो प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रावणकोर है जो कि अभी का केरला बनाया जा रहा है, उसमें बनाकर किसको दे दिया गया था, ब्रिटिश रूल्ड मद्रास प्रेसिडेंसी को ये दिया गया था। और कितने दिन के लिए, 999 ईयर की लीज के लिए दे दिया गया था, किसको, 1886 में ब्रिटिश के मद्रास प्रेसिडेंसी को। उसके तहत जब एग्रीमेंट जो हुआ था जिनको इनको दिया गया था, उस एग्रीमेंट में तमिलनाडु को इस पर्टिकुलर डैम को ऊपर इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाने का अधिकार दे दिया गया था। इसी एग्रीमेंट के तहत तमिलनाडु जो है वो आज भी ये क्लेम करती है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर जो डैम है इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसकी बात करें तो ये जो डैम बना तो इट वॉज बिल्ट, वाई इट वॉज बिल्ट, इट वॉज बिल्ट टू डाइवर्ट ईस्ट वर्ड्स, ईस्ट की तरफ किसको, जो वेस्ट फ्लोइंग पेरियार रिवर था उसके पानी को ईस्टवर्ड फ्लो कराने के लिए, ताकि क्या हो सके तमिलनाडु को उसका पानी मिल सके टू फीड द एरिड एरियाज ऑफ तमिलनाडु। तो ये पर्पस से ये पर्टिकुलर डैम को बनाया गया था। आफ्टर द इंडिपेंडेंस केरला गवर्नमेंट ने क्या कहा, केरला गवर्नमेंट ने कहा कि जो एग्रीमेंट पहले हुआ था, द अर्लियर एग्रीमेंट साइन बिटवीन द ब्रिटिश राज एंड त्रावणकोर वॉज इनवैलिड, और इसको रिन्यू करने की जरूरत है। इस एज ए रिजल्ट एक दोबारा एग्रीमेंट बनाया गया 1970 में। इसमें तमिलनाडु को राइट्स दे दिए गए कि वो क्या करेंगे, वो लैंड एंड वाटर इस डैम का जो है वो, और साथ साथ वो अथॉरिटी भी दे दी गई कि वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इस पर्टिकुलर साइट पे डेवलप कर सकते हैं। और केरला को इसके बदले में क्या मिला, रेंट मिलता था तमिलनाडु
की तरफ से। तो ये कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन वाइज बैंक के बारे में। लेकिन डिस्प्यूट क्यों आ रहा है, तो डिस्प्यूट ये जानना है कि सेफ्टी कंसर्न जो था वो 1979 में अचानक से न्यूज में आया। क्यों न्यूज में आया, क्योंकि इट वॉज रिपोर्टेड दैट केरला में एक माइनर अर्थक्वेक के कारण इस डैम में क्या आ गया था, क्रैक आ गया था। केरला वॉज वरीड कि ये डैम से उनके पर्टिकुलर एरियाज में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर सेंट्रल वाटर कमीशन जो है उसको बोला गया कि आप इस पर्टिकुलर चीज को, केरला का जो आर्गुमेंट उसको एग्जामिन करो। सेंट्रल वाटर कमीशन ने बोला कि जो अभी फिलहाल जो डैम रिजर्वायर का जो हाइट था दैट वाज 142 फीट, उसको घटाकर 136 फीट कर देने से काम चल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर चीज को बोला गया कि इसको फिर से बढ़ाया जा सकता है, इस पर्टिकुलर हाइट को, एक बार जब ये डैम दोबारा से रिस्ट्रक्चर हो जाएगा। उसी के तहत 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया तमिलनाडु को कि आप क्या कर सकते हैं, इस वाटर का लेवल 142 फीट तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बट केरला गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ अमेंडमेंट पास किया और बोला कि नहीं, आप इसको नहीं बढ़ा सकते हैं। तो केरला गवर्नमेंट ब्रॉट एन अमेंडमेंट, जो जिस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि दैट इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने उस अमेंडमेंट को गलत बताते हुए बोला कि नहीं, इससे तमिलनाडु को पूरी तरह से क्या करने की आजादी है, 142 फीट तक पानी को रेज करने की आजादी है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज रिकमेंड की थी कि आप क्या करें, आप एक सुपरवाइजरी बॉडी बना दे जो कि इस पर्टिकुलर चीज को देखेगी, यानी कि इस डिस्प्यूट को, केरला और तमिलनाडु के बीच के इस डिस्प्यूट को देखने के लिए उन्होंने क्या बोला कि एक सुपरवाइजरी कमेटी बना दी जाए। यही कमेटी की बात हम इस न्यूज में कर रहे थे, इस कमेटी को बोला जाए कि क्या करे, एक साल के लिए और इस पर्टिकुलर कमेटी को आगे काम करने दिया जाए, ताकि हमारा जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है वो जब काम करने लगेगा तब ये कमेटी को बंद कर दिया जाएगा। तो ये पर्टिकुलर न्यूज हमारा था पहला, ठीक है। अब इसमें लेकर क्या हम बात कर सकते हैं आपको, यही कमेटी को बोला गया था ये तीन चीजों के लिए कमेटी बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कमेटी। अब इसी कमेटी के आइडिया को सेंटर ने थोड़ा रिवाइज करके क्या कर दिया, 2021 का अपना डैम सेफ्टी एक्ट साथ में पास कर दिया। तो इस डैम सेफ्टी एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी एक होगी जो कि क्या करेगी, इन एरियाज पे काम करेगी, किस डैम का जो डिस्प्यूट है वो किन स्टेट्स के बीच में है, उनको कंसर्न्स को सुनना, उनके कंसर्न को सॉल्व करना, ये सारा कुछ मॉनिटर करने का पावर किसके पास रहेगा, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के पास, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन न्यूज़ से एक्सपेक्टेड मेंस का क्वेश्चन क्या हो सकता है, डिस्कस वेरियस प्रोविजंस ऑफ डैम सेफ्टी एक्ट 2021, एनालाइज इट्स इंपॉर्टेंस इन सॉल्विंग वेरियस इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। तो ये पर्टिकुलर मेंस का क्वेश्चन आप लोग अटेंड करने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर न्यूज से, हम लोग यहां पे ये एक्सपेक्टेड मेंस क्वेश्चन डिराइव कर सकते हैं। तो आई होप ये पर्टिकुलर न्यूज है वो पूरा क्लियर है, तो हम लोग अगले न्यूज की ओर चलते हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ब्लॉक्स 22 यूट्यूब न्यूज चैनल, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने क्या किया, हाल ही में 22 यूट्यूब न्यूज चैनल्स को बैन किया, जिसमें की 4 जो थे वो कहां से रन हो रहे थे, पाकिस्तान से, और बाकी 18 जो थे वो इंडिया से ही रन हो रहे थे। तो अब बेसिकली हम लोग बात करेंगे किन आधार पर ये ब्लॉकिंग जो होती है वेबसाइट्स की या चैनल्स की, वो किन आधार पर होती है। तो हमारा आईपी रूल्स जो है वो टाइम टू टाइम अमेंड होता है, आपको पता है हमारा आईपी एक्ट कब पास हुआ था, 2000, ठीक है। तो आईपी एक्ट 2000 में जो हमारा पास हुआ था, आईटी एक्ट जो हमारा 2000 में पास हुआ उसके तहत हम बात करते हैं कि हम लोग रूल्स नोटिफाई करते हैं टाइम टू टाइम। तो 2021 में जो लेटेस्ट रूल्स नोटिफाई हुए थे उसमें बेसिकली किन को टैकल करने के रूल्स आए थे, ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया। तो इनके ऊपर इनके प्लेटफॉर्म्स पे अगर कोई ऐसे मिसकम्युनिकेशन के कोई न्यूज़ होते हैं, या फिर कोई वीडियोस ऐसा पोस्ट कर देता है, या कोई इमेज ऐसा सर्कुलेट होता है जो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है, उस पर्टिकुलर को रेगुलेट करने का पावर किसमें आ गया था, हमारे आईटी रूल्स 2021 के तहत, ठीक है। तो दिस रूल्स हैव बीन फ्रेम्ड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर सेक्शन 787 क्लॉज 2 ऑफ आईटी एक्ट 2000। और इसमें गवर्नमेंट ब्रॉट वीडियो स्ट्रीमिंग पहली बार, तो वीडियो स्ट्रीमिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म जो थे वो किसके अंदर रेगुलेशन में आ गए, अंडर द एम्बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। और उनको ये कहा गया कि यू हैव टू गिव ड्यू डिलीजेंस, आपको ड्यू डिलीजेंस फॉलो करना होगा जब भी आपके सर्वर पे जो भी आपके प्लेटफॉर्म से चीजें सर्कुलेट होती हैं उसको लेकर, अदरवाइज आपको जो क्या मिलता था, सेफ हार्बर प्रोविजन जो था वो आपको नहीं मिलेगा। सेफ हार्बर प्रोविजन क्या होता है, तो सेफ हार्बर प्रोविजन होता है कि जो भी हमारे सोशल इंटरमीडियरीज हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर कुछ पोस्ट अगर होता है उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू,
उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती है जनरली, ठीक है, तो लाइबिलिटी उनकी नहीं हुआ करती थी। बट इस पर्टिकुलर रूल्स के तहत बोला गया कि अगर आप ड्यू डिलीजेंस वो नहीं करेंगे तो ये आपकी जो आपको जो ये मिलता था स्पेशल क्या हमारा सेफ हार्बर जो प्रोविजन मिलता था ये आपसे छीन लिया जाएगा और अल्टीमेटली आपके ऊपर कार्रवाई भी पॉसिबल है, ठीक है। सो सेफ हार्बर प्रोविजन को अगर लागू करना है तो आपको ड्यू डिलीजेंस वो करना पड़ेगा। तो उसी पर्टिकुलर आर्टिकल 2021 के तहत जो यूट्यूब के 22 ऐसे चैनल्स थे जो कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे रिगार्डिंग COVID-19 यूक्रेन रशिया कंफ्लिक्ट, तो ये सारे इशूज जो थे इनको मिस रिप्रेजेंट कर रहे थे चैनल, इसलिए IMD मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इनको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। अगले न्यूज पे चलते हैं, तो अगला न्यूज की अगर बात करें हम लोग तो ये हमारा मेन जो एडिटोरियल है वो है, ठीक है, स्ट्रेंथन सेक्युलरिज्म सेव द रिपब्लिक, ठीक है। यहाँ पे हम और बात करें इस एडिटोरियल की जो आज हिंदू में मेन एडिटोरियल था तो ये हमारा सिलेबस में GS पेपर 2 के इंडियन पॉलिटी सेक्शन में फिट बैठे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, स्ट्रेंथन सेक्युलरिज्म सेव द रिपब्लिक, अगर आपको रिपब्लिक को सेव करना है तो यू हैव टू स्ट्रेंथन सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो आखिर ये न्यूज में क्यों है, ये एडिटोरियल आखिर क्यों पूछा गया है, उसका कॉन्टेक्स्ट अगर आप जानेंगे तो वो कॉन्टेक्स्ट की ओर अगर हम चलते हैं तो हाईकोर्ट जो है कर्नाटक अभी हाल में उसने एक कॉन्ट्रोवर्सियल जजमेंट दिया विच वॉज हिजाब बैन को लेकर उन्होंने जो जजमेंट दिया है तो इट वॉज नॉट एबल टू सेटल द हिजाब इशू क्योंकि जो सामने वाली पार्टी के ग्रीवांस थे उनको कम्प्लीटली जस्टिस नहीं दिया गया। ऐसा मेनली जो लीगल हमारे लिमिनरीज हैं ये सब यही बता रहे हैं कि जो पूरी तरह से हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक वॉज नॉट एबल टू सेटल द डिस्प्यूट एंड दैट इज वाई इट हैज बीन चैलेंज इन द अपेक्स कोर्ट दैट इज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ऑलरेडी मुस्लिम स्टूडेंट्स ने इसको कर दिया है। तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर चीज को सेटल कर देगी एमिकेबली वो उसका सॉल्यूशन निकालेगी बट अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे को ये आर्टिकल जो डिस्कस हमें करना है ये कहीं ना कहीं इस कर्नाटक हाईकोर्ट के नॉट अप्रोप्रिएट जजमेंट के कारण हमें ये आर्टिकल डिस्कस करना है। तो अगर हम लोग आर्टिकल डिस्कस करने से पहले इस पर्टिकुलर एडिटोरियल से जो एक्सपेक्टेड मेंस का क्वेश्चन होगा पहले उसको समझ लिया कर तो हम लोग ज्यादा बेटर एनालाइज कर पाएंगे। सो प्लुरलिज्म इज द कीस्टोन ऑफ इंडियन कल्चर एंड रिलीजियस टॉलरेंस इज द बेडरॉक ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। प्लुरलिज्म जो है भारत का कल्चर का कीस्टोन है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है और रिलीजियस टॉलरेंस जो है वो बेडरॉक है किसका, इंडियन सेक्युलरिज्म का बेस है। इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट ऑल रिलीजियंस आर इक्वली गुड एंड एफिकेसियस पाथवेज टू परफेक्शन ऑफ गॉड रियलाइजेशन। दैट मींस कि जो ये बिलीफ है भारत का सेक्युलरिज्म एक बिलीफ है कि सारे धर्म इक्वली गुड है और सबका जो पाथवेज है वो इक्वली परफेक्ट है किसके लिए, टू अचीव गॉड रियलाइजेशन। दस ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन व्हिच इज नॉट एब्सोल्यूट। यही डिस्कशन हम लोग देखेंगे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो सबको दिया है बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट। सो वी हैव टू क्रिटिकली एग्जामिन द अबव स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड रिलेवेंट केस लॉ। सो दिस वाज क्वेश्चन आज इन वन ऑफ द ऑप्शनल पेपर्स इन 2021 UPSC मेंस। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी आंसर जो है आपके इस एडिटोरियल में छिपा हुआ है। तो अब हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर इशू में कि पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन क्या था इस इशू का। सबसे पहले कि जो इशू ऑफ हिजाब है वो पॉलिटिकल भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। पॉलिटिकल कैसे, बिकॉज वन सेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इस पर्टिकुलर चीज के खिलाफ है। और कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे कि क्या हिजाब वेयर करना सच में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी है और पॉलिटिकल इशू भी है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज को डेफिनेटली अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है तो टॉप कोर्ट विल डेफिनेटली एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट बट द पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ द हिजाब इशू विल कंटिन्यू टू ट्रबल इंडियन सोसाइटी। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट सेटल कर देगी बट जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर बार बार उठकर आएंगे। आपने देखा भी कर्नाटक से उठकर ये चीज लगभग अलग अलग स्टेट्स में भी फैलनी शुरू हो गई थी, ठीक है। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कंसाइंस ऑन वन हैंड एंड सेक्युलरिज्म फॉर द गवर्नेंस ऑन द कंट्री ऑन द अदर। दैट मींस कि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो मिल रहा है कहां से बट साथ साथ हमारा एक और उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, दैट इज सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म हमारा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आपको मिल रहा है इट इज नॉट एब्सोल्यूट। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, हम वो देखते हैं आगे। सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को पहले समझते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नॉट अ वेरी क्लियर कट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट एज इन यूरोप।
आपको पता है कि जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म हमारा होता है उसमें कंप्लीट सेपरेशन होता है किसका, रिलीजन और स्टेट का, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में डेफिनेटली इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है स्टेट का, लेकिन स्टेट जो है इक्वली क्या करती है, हर रिलीजन को प्रमोट इक्वली करेगी, पार्टिसिपेट इक्वली करेगी हर रिलीजन के प्रमोशन में। और स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं, दैट इज क्लियर फ्रॉम आर्टिकल 27 एंड 28, जो कहता है कि ना स्टेट कोई धर्म को प्रमोट करेगी, ना कोई उससे टैक्स लेगी किसी धर्म के लिए, ना ही कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन किसी सरकारी इंस्टीट्यूट के अंदर दिया जाएगा। तो डेफिनेटली स्टेट का अपना तो कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन उसी आर्टिकल में क्या कहा गया है कि नो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज और एडेड बाय द स्टेट शैल कंपेल एनी पर्सन टू अटेंड रिलीजियस क्लासेस और वर्शिप देयरिन। तो किसी स्टेट रन यूनिवर्सिटी हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, उसमें कंपेल नहीं किया जाएगा किसी पर्सन को क्या करने के लिए, कोई रिलीजियस क्लासेस या वर्शिप वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए। और साथ साथ जब हम इन राइट्स की बात करते हैं तो हम लोग आर्टिकल 25 क्लॉज 2 को जो है वो भी देखेंगे। उसमें कहा गया है कि इट एम्पावर्स द स्टेट टू रेगुलेट सेकुलर एक्टिविटीज। सेकुलर एक्टिविटीज को स्टेट पूरी तरह से रेगुलेट कर सकती है किन ग्राउंड्स पे, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इन चार ग्राउंड्स पे, तो आप देख सकते हैं पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, साथ साथ और भी जो फंडामेंटल राइट्स के अदर पार्ट्स हैं, अगर वो भी इसके खिलाफ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा सेक्युलर एक्टिविटीज है उसको स्टेट क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, सो द फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एंजॉय द सेम स्टेटस एज अदर सेक्युलर राइट्स, बिकॉज़ जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इनके तौर पे से जो हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उन राइट्स को एक्सरसाइज नहीं किया जाता है, बिकॉज़ इसके हमारे कुछ रिस्ट्रेंट्स है, कंस्ट्रेंट्स है, जैसे कि हमारा आप देख सकते हैं मोरालिटी, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर एंड अदर प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सो अब हमारे पास रास्ता क्या बचता है, सेकुलरिज्म इज द ओनली वे आउट, इस सेकुलरिज्म ही आपका जो है वो इकलौता रास्ता है। सो थियोक्रेसी अगर हम फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, कंट्री का डिसइंटीग्रेशन, बिकॉज इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ मल्टी रिलीजियस कंट्री जहां पे लार्जेस्ट माइनॉरिटी जो है वो मोर देन 20 करोड़ है। ठीक है, so the government of India had notified as many as 6 minority religions in the country, or a theoretic state with the majority religion as the state religion is an unworkable proposition in Indian context. So India में ये particular dimension fit नहीं बैठता है। ठीक है, उसके बाद complex structure है हमारा, तो वो भी उसके कारण भी हमारे यहाँ पे possible नहीं है कि हम लोग theocracy को follow करें। So there would be no equality also if we practice theocracy, and अगेन बहुत सारे पेरिनियल कॉन्फ्लिक्ट्स और इवेंचुअल डिसइंटीग्रेशन सोसाइटी का हो जाएगा अगर हम लोग सेकुलरिज्म के अलावा किसी और बढ़ते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज इन दिस एडिटोरियल इट वाज सेड दैट सेकुलरिज्म इज द ओनली वे आउट, एंड दिस इज द वेरी रीजन दैट सेकुलरिज्म हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने किस केस में, एस आर बोमाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि सेकुलरिज्म इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अल्टीमेटली देयरफॉर वी रीच द इनवेरिएबल कंक्लूजन दैट इंडिया एज अ नेशन कैन सर्वाइव ओनली एज अ सेकुलर स्टेट वेयर द स्टेट हैज नो रिलीजन एंड डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, और इफ इट प्रमोट्स एनी रिलीजन देन इट हैज टू प्रमोट ऑल द रिलीजंस इक्वली। सेकुलरिज्म वाज चोजन एज अ फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ द रिपब्लिक टू कीप द नेशन यूनाइटेड। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि सेकुलरिज्म में अल्टीमेटली क्या है, इकलौता रास्ता है इंडिया का वे आउट। सो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट भी कोई भी फैसला देगी इस पर्टिकुलर इशू पे, अल्टीमेटली किसको सबसे ऊपर रखा जाएगा, दैट इज सेकुलरिज्म। तो अगर हम बात करें आपको कुछ और ऐसे रिलेटेड इशूज की जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म को रास्ता चुना, इट वॉज लाइक इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन किया गया, इट वॉज ऑल्सो सेकुलरिज्म को प्रमोट करना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो साबरीमाला में वुमेन की एंट्री, अगेन पार्ट ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को दो पार्ट में बांटती है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड नॉन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का पार्ट जो है उसको अपहेल्ड किया जाता है, जो भी नॉन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का पार्ट है उनको सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं आउटराइटली मना कर देती है। अल्टीमेटली हिजाब केस के लिए वी हैव टू वेट, बट अल्टीमेटली जो फाउंडेशन होगा उस जजमेंट का इट विल बेस्ड ऑन सेकुलरिज्म ओनली। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल इन द मिडिल। सो ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है, ये आर्टिकल रशिया यूक्रेन के वॉर से रिलेटेड है।
इसमें ये कहा जा रहा है कि जो यूक्रेन वॉर है इसमें इंडिया मस्ट फुलफिल इट्स रिस्पांसिबिलिटीज एज अ नॉन अलाइंड डेमोक्रेसी। तो नॉन अलाइंड डेमोक्रेसी, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट का नाम सब लोग जानते हैं कि नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या था, जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर टू के बाद, तो एक ग्रुप सोशलिस्ट ग्रुप में बटा था और दूसरा कैपिटलिस्ट ग्रुप में। तो इंडिया वॉज द वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट NAM। सो इट वॉज नॉट नाइदर अलाइनिंग विद द USSR ब्लॉक नॉर अलाइनिंग विद द US ब्लॉक। तो वही चीज की बात यहाँ पे हो रही है कि फिलहाल जो यूक्रेन वॉर है इसमें इंडिया शुड फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ नॉन अलाइंड डेमोक्रेसी। तो जो 40 दिन लगभग यूक्रेन में वॉर के हो चुके हैं, तो इंडिया का रोल जितना लोगों ने सोचा नहीं था उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट अब दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पिछले 7-10 दिन में जो इन्फॉर्मेशन देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि US से लेके वेस्टर्न कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स, डिप्लोमैट्स, एम्बेसडर्स का आना जाना इंडिया में लगा हुआ है, साथ साथ रशिया के भी फॉरेन मिनिस्टर का यहाँ पे आना, और सबके साथ प्रॉपर मीटिंग होने के बाद ये कहा जा रहा है कि इंडिया को प्ले द मेजर रोल किस चीज में, इन सॉल्विंग द यूक्रेन और रशिया डिस्प्यूट। तो इसीलिए इसमें बात किया जा रहा है कि इंडिया के पास एक अच्छा मौका है कि वो अपने नॉन अलाइंड डेमोक्रेसी को फॉलो करते हुए रशिया यूक्रेन के वॉर को सॉल्व कर सकता है। तो अगर हम लोग इसमें बात करें आगे, तो आप जैसे देख सकते हैं कि रशिया के साथ प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है अभी, कि उनका जो क्या बोलते हैं उसको इन्फ्लेशन रेट है वो भी लगभग 15% से ऊपर जा चुका है, अल्टीमेट सैंक्शंस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, वेस्टर्न कंट्री सैंक्शंस लगा रही है, यूरोपियन कंट्रीज भी पूरी सैंक्शंस लगा रही है, तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन है कुछ टाइम के बाद वो हाइपर इन्फ्लेशन में होगा, तो रशिया भी बहुत दिन ज्यादा दिन तक ऐसे वॉर को कंटिन्यू नहीं करना चाहेगी, और यूक्रेन भी चाह रही है कि उनके यहाँ जो इतने मास लेवल पे जो किलिंग्स हो रहे हैं उनको भी रोका जाए। तो अल्टीमेटली इंडिया के पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। वाई इंडिया के पास अच्छा प्लेटफॉर्म है? क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में अभी 2+2 डायलॉग होने वाला है, ठीक है, इंडिया और यूएस का, जहाँ पे इंडिया के पास मौका क्या है वो काटसा का मेंबर के बारे में बात करेगी, और रशिया से S-400 सिस्टम लेने के लिए जो उनको परचेस कर रहे हैं उसके लिए भी उनको क्या चाहिए होगा, वेवर चाहिए होगा। उसी के साथ साथ रशिया के ऊपर एक और प्रॉब्लम क्या है कि रशिया को G20 समिट से भी निकालने की बात चल रही है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने इसको सस्पेंड कर दिया है। तो अल्टीमेटली इंडिया क्या कर सकती है, इंडिया कैन यूज दी ब्रेगिंग राइट्स इन प्लेस ऑफ विद बोथ द साइड्स। तो यूएस भी अभी नहीं चाहेगी क्यों इंडिया को खोना, बिकॉज US के अभी सबसे बड़ा एलाई कौन है फिलहाल, अभी अगर बात करें इंडो-पैसिफिक में टू काउंटर चाइना इट इज ओनली इंडिया। तो US को भी इंडिया के बारे में सुनना है, और रशिया के बारे में अगर हम बात करें तो आफ्टर सैंक्शन फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड एंड अमेरिका स्पेशली, तो रशिया भी क्या चाह रही है, रशिया भी चाह रही है कि उनका अपना कोई एक क्या हो अलाई, जो कि और हमने से बढ़िया नेचुरल अलाई रशिया का कोई रहा नहीं है, ठीक है। तो रशिया और इंडिया की जो पार्टनरशिप वो बहुत पुरानी पार्टनरशिप रही है, it will always india is always in the upper hand, india is having the upper hand in between balancing the ukraine and russia issue। to is chakkar mein agar hum dekhe to india ke paas abhi acha mauka hai ki wo kya kare, filhal jo uska ek sapna hai ki it become a new global leader, to india ko agar global leader banna hai to apne us responsibility ko pura karne ke liye new delhi must realize that its value to the two sides will last while it remains uncommitted to either side। तो इंडिया डेफिनेटली किसी एक पर्टिकुलर साइड के साथ कमिटमेंट नहीं दिखा रही है, ना ही उसने रशिया को पूरी तरह से आउटराइटली कभी ब्लेम किया है, ना ही यूक्रेन के खिलाफ गए। तो इस चीज को मानते हुए एंड नॉन रैपिड डेवलपमेंट्स इन द थिएटर ऑफ वॉर एंड ईयर टू वॉट पैरामीटर्स ऑन बोथ साइड्स प्लान नेक्स्ट एंड द एबिलिटी टू कीप इट्स माइंड ओपन ऑन वेयर इंडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ ग्लोबल डेमोक्रेसी एंड अ ट्रूली नॉन अलाइंड पावर्स लाइक। तो इंडिया को इस चीज को रियलाइज करके क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर मैटर को सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा। एंड कल के आर्टिकल में भी ये दिया हुआ था कि रशिया यूक्रेन का जो पीस है इट पासेस थ्रू न्यू दिल्ली, ठीक है। सो अ बेस क्वेश्चन वुड बी फॉर्म्ड कि रशिया यूक्रेन कंट्रोवर्सी और रशिया यूक्रेन वॉर कैन बी सॉल्व एमिकेबली ओनली थ्रू द चैनल्स ऑफ और द प्लेटफॉर्म ऑफ न्यू दिल्ली क्रिटिकली एनालाइज। तो आपको इस पर्टिकुलर चीज को एनालाइज करना होगा कि कैसे इंडिया का रोल यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस वाज दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। इंडियन अंटार्कटिक बिल एंड इट्स वेरियस प्रोविजन, तो इंडिया का एक अंटार्कटिक बिल अभी हाल ही में पेश किया गया और उसके अलग अलग प्रोविजन क्या है उसके बारे में छोटा सा डिस्कशन देखेंगे कि अंटार्कटिक में आके क्यों अंटार्कटिक के लिए क्यों बिल आया, तो वो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझिए क्योंकि हम लोग वहां पे रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो कैरी करते हैं, वहाँ पे एक्सप्लोरेशन हमारी होती है, वहाँ पे हमारे स्टेशन हैं,
ठीक है, दो हमारे दो ऑब्जर्वर स्टेशन वहाँ पे बनाए गए हैं, उन पर्टिकुलर चीजों का पूरा रेगुलेशन वगैरह के लिए क्या करते हैं, अंटार्कटिक में हम लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन करते हैं, तो उसके लिए हमने इंडियन अंटार्कटिक बिल को इंट्रोड्यूस किया है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये लोग वहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था एंड इट इनवाइटेड रेगुलेटिंग विजिट्स, जो विजिट्स अंटार्कटिका में होंगे और साथ साथ जो एक्टिविटीज अंटार्कटिका में होंगे उनको रेगुलेट करने के लिए। इट ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स पिनल प्रोविजंस, तो पिनल प्रोविजन मतलब पनिशमेंट भी दिया जाएगा अगर कोई सीरियस वायलेशन करता है। तो आपको बता दें कि इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द अंटार्कटिक ट्रीटी, तो अंटार्कटिक ट्रीटी जो कि जून 3, 1961 में इंफोर्स हुआ था, जिसमें 54 सिग्नेटरी नेशंस है, तो इंडिया एक उसका सिग्नेटरी नेशन भी है, तो इसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अंटार्कटिक में जो एक्सप्लोरेशन है वो पीसफुल हो और बिना डैमेज किए हुए एनवायरमेंट को हो, तो उसके तहत भी ये बिल बनाना हम लोग के लिए जरूरी था। उसके बाद बात करें कि जो पहला एक्सपेडिशन हमारा अंटार्कटिक में हुआ था 1982 में, उसके बाद से हमने दो स्टेशन वहाँ पे बनाए हैं, जैसे कि इसका नाम है भारती एंड मैत्री, ये अंटार्कटिका में हमारे वर्किंग स्टेशन है फिलहाल, एंड बोथ दिस प्लेसेस आर परमानेंटली मैन्ड बाय रिसर्चर्स, वहाँ पे रिसर्चर्स हमेशा रहते हैं, तो उनको रेगुलेट करने के लिए कोई बिल चाहिए होगा। इस बिल में एक कमेटी ऑन अंटार्कटिक गवर्नेंस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी बनाया गया, जो कमेटी उस पर्टिकुलर चीज से वहां पे ऊपर काम करेगी। एंड द बिल प्रोहिबिट्स माइनिंग, ड्रेजिंग एंड एक्टिविटीज दैट थ्रेटन द प्रिस्टाइन कंडीशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो आपको पता है अंटार्कटिक जो है वो हम लोग के लिए मतलब जो बाकी एरियाज है उससे अलग कंडीशंस वहां पे मिलते हैं, पाए जाते हैं, तो वहां पे क्या बैन किया गया इस बिल के तहत, जो माइनिंग है, ड्रेजिंग है और कोई भी एक्टिविटी जो कि उस पर्टिकुलर कंडीशन को थ्रेटन कर सकता है वो सारा बैन कर दिया गया। And this draft also directs the creation of a fund. इस fund का नाम क्या है? Antarctic fund. जो किसके use किया जाएगा? Antarctic के environment को protect करने के लिए fund को use किया जाएगा। तो ये particular जो हमारा Antarctic bill 2022 है जो अभी introduce हुआ है लोकसभा में, ये किससे related है? Antarctic के अंदर जो हम लोग की जो भी explorations होते हैं, research होती है, हमारा station जो होता है उसको regulate करने के लिए bill लाया गया। Next. सुप्रीम कोर्ट टू सून टेक अप केस अगेंस्ट पोल बॉन्ड स्कीम, पोल बॉन्ड यानी कि जो फेमसली इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत जल्दी प्लीज सुनेगी, यानी कि सुनवाई उसके ऊपर करेगी। तो आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर चीज पर सुनवाई करेगी? सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है क्या, तो अगर आप सिलेबस की बात करें तो ये कहीं ना कहीं GS पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी में फिट बैठेगा अंडर द सेक्शन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है क्या? सो दिस आर बेसिकली अ बॉन्ड, जो बॉन्ड क्या करती है, जो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि कोई भी सिटीजन या कंपनी खरीद सकती है टू मेक डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। तो जनरली अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है तो अब आप कैश में जो था वो लिमिट बहुत कम कर दिया गया है, तो अब मात्र 2,000 रुपए तक ही कैश डोनेट कर सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उससे ऊपर का जो भी अमाउंट अगर आपको डोनेट करना है तो यू हैव टू बाय फर्स्ट अ बॉन्ड। ठीक है, वो बॉन्ड आप खरीदिएगा और उस पॉलिटिकल पार्टी को उस बॉन्ड के थ्रू आप डोनेशन दीजिएगा, और आपकी आइडेंटिटी इस पर्टिकुलर में डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, किस इंसान ने कितना या किस कंपनी ने फंड दिया है किस पार्टी को। सो इट इज बेसिकली लाइक अ प्रॉमिसरी नोट, जिसमें प्रॉमिस किया जा रहा है कि जो है वो ये सिटीजन जो है इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को इतने रुपए देने के लिए प्रॉमिस करता है, और ये सिर्फ कुछ सिलेक्टेड ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये बॉन्ड आपको मिलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ ओनली, तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि ओनली स्टेट बैंक हैज बीन ऑथराइज्ड टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो सिटीजन और कॉर्पोरेट दोनों डोनेट कर सकते हैं इसमें, ठीक है, अपने एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी को। तो एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी, इससे क्या समझ में आता है ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। एन इंडिविजुअल और पार्टी विल बी अलाउड टू परचेज दिस बॉन्ड डिजिटली, या तो डिजिटली खरीद लीजिए या फिर चेक के थ्रू खरीद लीजिए। अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया विल बी एलिजिबल टू परचेज द बॉन्ड। नेक्स्ट, अगर हम आगे बात करें तो ये बॉन्ड जो है वो किसी भी मल्टीपर्स में खरीदे जा सकते हैं, किसके, 1,000, 10,000, 1,000, 10,000, 10 लाख, 1 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांचेस के साथ, कितने अमाउंट्स को, मल्टीपल्स ऑफ 1,000 में। और बैंड बॉन्ड की जो लाइफ है वो सिर्फ 15 दिन तक होगी, उसके बाद वो बॉन्ड लैप्स कर जाएगा। जो भी डोनर्स 20,000 से कम का डोनेशन देना चाहेंगे उनको अपना जो है वो कोई भी आइडेंटिटी यानी कि पैन नंबर दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है दे कैन इनकैश द इलेक्टोरल बॉन्ड थ्रू अ बैंक अकाउंट विद द ऑथराइज्ड बैंक, यानी कि SBI में उनका क्या होना चाहिए, ऑथराइज्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए, वहां से वो लोग जो है वो क्या करेंगे, बॉन्ड को इनकैश कर लेंगे। एंड जो कंडीशन मैंने बताया था कि एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी, तो उसका कंडीशन क्या है, ओनली द पॉलिटिकल पार्टीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, यानी कि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज पहला क्राइटेरिया, और दूसरा क्राइटेरिया दे शुड नॉट सिक्योर लेस देन 1% ऑफ द वोट्स
पोल्ड इन द लास्ट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा और एसएलए, मतलब जो सबसे लास्ट लेटेस्ट इलेक्शन हुआ होगा लोकसभा का या एसएलए का, उसमें 1% से ज्यादा वोट एटलीस्ट उनको आना चाहिए उस पॉलिटिकल पार्टी को, वही इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, अदरवाइज नॉट। तो ये पर्टिकुलर जो है, अब आखिर ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला क्यों सुना जाएगा, तो इशू क्या है, डिस्प्यूट क्या है? तो पहले जो चीजें थी उसमें क्या था कि कोई फॉरेन कंपनी जो थी वो डोनेट पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कर सकती थी क्योंकि कंपनीज एक्ट में ऐसा प्रोविजन नहीं। उसके बाद ए फर्म को डोनेट अ मैक्सिमम ऑफ 7.5% ऑफ इट्स एवरेज 3 ईयर नेट प्रॉफिट। अब क्या है, अभी चूंकि आइडेंटिटी ही डिस्क्लोज नहीं हो रही है तो कैसे पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर फर्म ने सिर्फ 7.5% ही दिया, तो ये एक इशू है। दूसरा, फॉरेन कंपनीज डोनेट कर रही है, लोकल कंपनीज कर रही है, ये भी नहीं पता चलेगा क्योंकि आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो रही है। एंड एज पर द सेम सेक्शन ऑफ दैट कंपनीज हैड टू डिस्क्लोज, जो कंपनी पहले करती थी ऐसा डोनेशन उनको डिस्क्लोज करना पड़ता था इस डिटेल को, किसमें, अपने एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में भी। तो कहीं ना कहीं पहले क्या था कि ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हम लोग इंश्योर कर सकते थे, अभी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होने के कारण जो क्राइटेरिया हट गया है तो थोड़ी ट्रांसपेरेंसी हमारी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हो रहा है। इस पर्टिकुलर एडिटोरियल से हमारा जो एक्सपेक्टेड मेंस क्वेश्चन है वो क्या है कि हाउ फार डू यू थिंक द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हैज बीन एबल टू मेक इंडियन इलेक्शंस मोर ट्रांसपेरेंट, कितने हद तक आपको लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ने भारत के इलेक्शन सिस्टम को पूरा पारदर्शिता, ज्यादा पारदर्शिता बनाने की कोशिश की है? सजेस्ट सम रिफॉर्म्स इन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, कुछ रिफॉर्म सजेस्ट कीजिए किसमें, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में। तो ये आपका इस पर्टिकुलर एडिटोरियल से क्या है, मेंस वो एक्सपेक्टेड मेंस क्वेश्चन है। ठीक है, अगले न्यूज के ऊपर अगर हम बात करें तो आईपीसीसी रिपोर्ट इंडोर्सेस इंडिया पोजीशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। आईपीसीसी बेसिकली क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये रिपोर्ट जारी करते हैं। छठा असेसमेंट रिपोर्ट का सेकंड पार्ट जो हमारा रिसेंटली आया उसमें उन्होंने इंडिया जो क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर बात करना है उसके स्टैंड को इन्होंने इंडोर्स किया है, अप्रिसिएट किया है। तो हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा ये पर्टिकुलर चीज आपको बता दी, एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक हमारा पार्ट है उसमें कवर होगा, और ये पर्टिकुलर चीज हमारा आईपीसीसी जो है इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। सो व्हाट इज आईपीसीसी, इट इज एन इंटरनेशनल बॉडी फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। इट वाज सेट अप इन 1988 इसके द्वारा बाय अ जॉइंट एफर्ट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO एंड यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम यानी UNEP टू प्रोवाइड पॉलिसी मेकर्स विद रेगुलर असेसमेंट ऑफ द साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज, इट्स इंपैक्ट एंड फ्यूचर रिस्क एंड ऑप्शंस फॉर एडेप्शन एंड मिटिगेशन। आपको एक चीज बता दें, भले आईपीसीसी रिपोर्ट जारी करती है बट आईपीसीसी अपना खुद का कोई रिसर्च नहीं करती है, आईपीसीसी खुद का रिसर्च नहीं करती है, वो जितने रिसर्च वगैरह होते हैं उनको स्टडी करके एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करती है और अल्टीमेटली जो कंट्रीज हैं उनको हेल्प करती है किस चीज में, अपने क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन प्रोग्राम में जो कि हमारा UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क और कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके तहत जो क्लाइमेट को लेकर हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रिपरेशन करते हैं उसको लेकर ये क्या करती है, बॉडीज को हेल्प करती है आईपीसीसी। तो अभी जो COP26 वाला है UNFCCC के तहत उसमें भी आईपीसीसी ने अपना रिपोर्ट जारी किया था, तो ये उस टाइम पे कंट्रीज को हेल्प करती है कि आप लोगों की अकॉर्डिंग पैरामीटर्स पे काम करना है। नेक्स्ट न्यूज इज इसरो टू सेंड टीम टू प्रोब ऑब्जेक्ट्स दैट फेल फ्रॉम स्काई। ये ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बस आपको ये जानना है यहाँ पे कुछ लोकेशन मेंशन है, क्योंकि अभी हाल में क्या हुआ है कि पावनपुर विलेज जो हमारा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ था, महाराष्ट्र का, वहां पे कुछ ऐसे आपको ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं जो कि ऐसा प्रपोज किया जा रहा है कि वो किसी रॉकेट के रिमेन्स है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं फोटो, ठीक है। सो यहाँ पे मिस्टीरियस पहले स्काई में कुछ आपको ऐसा ब्राइटनेस शाइनिंग सा हुआ, फिर उसके बाद अगले दिन यहाँ पे इनके जंगल से ये पर्टिकुलर ऐसे कुछ ये मिले हैं जो कि रॉकेट के रिमेन्स माने जा रहे हैं। तो इनको एक्सप्लोर करने के लिए इसरो जो है वो एक टीम को कहाँ है, यहाँ पर भेज रही है। ये महाराष्ट्र में फ्लेमिंग मेटियोर लाइक ऑब्जेक्ट जो है वो देखा गया था, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए इसरो जो है वहाँ पे भेज रही है, ठीक है। तो आपको बस ये जानना है यहाँ पे कि पावनपुर विलेज चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट का महाराष्ट्र, लोकेशन आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो। हरियाणा असेंबली पासिस रिजोल्यूशन ऑन चंडीगढ़। तो हरियाणा असेंबली ने चंडीगढ़ के ऊपर रिजोल्यूशन पास किया, कि ये क्या है ये रिजोल्यूशन, अगर इसकी बात करें हम लोग तो आपको पता ही हरियाणा और पंजाब दोनों का कॉमन कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ इज द कॉमन कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। उसको लेकर जो टसल है उसी के तहत पंजाब असेंबली ने भी डिमांड किया है कि जो चंडीगढ़ है वो पूरी तरह से क्या कर देना चाहिए, पंजाब की अपनी टेरिटरी घोषित कर देनी चाहिए ज्वाइंट कैपिटल हटाकर। तो अब हम लोग इसका बैकग्राउंड जानेंगे, जिसके खिलाफ हरियाणा ने पास किया रेजोल्यूशन कि चंडीगढ़ हमारा हिस्सा रहेगा, हमारा भी कैपिटल वो रहेगा। आखिर चंडीगढ़ क्यों बनाएंगे,
सबसे पहले अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो चंडीगढ़ वाज प्लान्ड टू रिप्लेस लाहौर, क्योंकि जो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया पंजाब का कैपिटल था लाहौर, वो जो मेजर पंजाब का एरिया था वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। तो जो इंडिया वाला पार्ट बन गया पंजाब का, उसका कैपिटल के लिए हमने क्या बनाया, चंडीगढ़। ठीक है, अप्रूव द एरिया ऑफ द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक्स एज अ साइट फॉर द न्यू कैपिटल। और 1952 से 1966 तक, क्योंकि उस टाइम तक पंजाब इकलौता स्टेट था, तो क्या किया गया इन दौरान, चंडीगढ़ को कैपिटल बना के रखा गया। 1966 में पंजाब से हरियाणा निकाल दिया गया, तो जब हरियाणा निकला फिर भी चंडीगढ़ को कैपिटल रहने दिया गया, किसका, पंजाब का भी और हरियाणा का भी ज्वाइंट कैपिटल चंडीगढ़ को बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ तक ये हुआ। उसके बाद इशू आया कहाँ से, तो शेयर कैपिटल कैसे बना, तो जब रिकॉग्निशन पंजाब का हुआ 1966 में हरियाणा को बनाया गया, तो उनका कैपिटल शेयर कर दिया गया चंडीगढ़ को, और बोला गया कि जो प्रॉपर्टीज है चंडीगढ़ वो 60:40 के रेशियो में बांटा जाएगा, किसके फेवर में, पंजाब के, मतलब पंजाब को 60 और 42 हरियाणा, ये सेटल किया गया। लेकिन कुछ ही सालों बाद, 2-3 सालों के बाद, इंदिरा गांधी ने क्या सोचा, इंदिरा गांधी डिसाइडेड, उन्होंने ऑलमोस्ट एक बिल भी लेकर आ गई थी कि पंजाब को पूरी तरह से क्या दे दिया जाएगा, चंडीगढ़ पूरी तरह से दे दिया जाएगा, बट क्या हुआ, वापस ये दोबारा से डिसीजन ले लिया गया। अगेन फिर राजीव गांधी ने भी 1995 में अंडर राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड चंडीगढ़ को पूरी तरह से पंजाब को देने की बात कर दी थी जनवरी 26, 1986 को, बट लास्ट मोमेंट पे राजीव गांधी गवर्नमेंट ने भी ये डिसीजन वापस ले लिया। और इसी पर्टिकुलर इनिशिएटिव के तहत पंजाब जो है वो बार बार डिमांड करती है कि हमें कंप्लीट अथॉरिटी किसकी मिल जानी चाहिए, चंडीगढ़ की मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो न्यूज था वो आप देखिए कि क्यों हरियाणा ने जो रेजोल्यूशन पास किया वो आखिर किस चीज से रिलेटेड था। टेन, इंडिया कॉन्डेम्स बुच्चा किलिंग्स कॉल्स फॉर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। तो पहली बार रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट होने के पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने आउटराइटली किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर स्टैंड लिया है। तो बुच्चा की अगर बात करें तो आप ये लोकेशन देखिए यूक्रेन में, क्यों से ये लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है बुच्चा, जहाँ पे अभी बहुत ज्यादा फोटोज वायरल हुए थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मास किलिंग, बहुत ऐसे डेड रिमेन्स की फोटो अचानक से सामने आई थी। उसके बाद फिर हर कंट्री इसको प्रभावित उठा रही है, और इंडिया ने भी बोला है कि वी कंडेम बुच्चा किलिंग्स एंड इट कॉल्स फॉर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। किसका एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो क्या थी, क्यों ऐसा किया गया है। बट इंडिया नेवर नेम्ड रशिया, रशिया को कल्प्रिट इंडिया ने नहीं घोषित किया है, बट उन्होंने इस पर्टिकुलर किलिंग्स को कंडेम किया है। तो हम लोग अब इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में बात करें, बुच्चा के बारे में और किलिंग्स के बारे में। तो बुच्चा इज लोकेटेड 25 किलोमीटर टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ कैपिटल क्यू। ओवर द पास्ट टू डेज अ ग्रूशम इमेजेस हैव इमर्ज्ड ऑफ मास ग्रेव्स एंड डजंस ऑफ बॉडीज ऑफ सिविलियंस इन द टाउन ऑफ बुच्चा एंड सम ऑफ दीज बॉडीज हैड देयर फेसेस कवर्ड विद हुड्स एंड देयर हैंड्स टाइड बिहाइंड देयर बैक। तो ये बारबेरिक एक्ट का जो इमेज सर्कुलेट हो रहा था, जिसके कारण ये न्यूज सामने आया। और ये न्यूज कब सामने आया, जब रशिया से दोबारा से वो पर्टिकुलर टाउन जो है वो डिक्लेयर कर लिया गया रशियन फोर्सेस, तब ये बॉडीज दिखी लोगों को। तो इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर जो अलग अलग कंट्रीज का स्टैंड है उसके ऊपर बात करें, क्योंकि इंडिया ने जो स्टैंड दिया है, तो यूक्रेन का स्टैंड है कि प्रेसिडेंट ने और रशियन ट्रूप्स को अक्यूज किया ऑफ कमिटिंग द मोस्ट टेरिबल वॉर क्राइम सिंस वर्ल्ड वॉर टू इन एन एड्रेस टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूक्रेन ने इसे क्या बोला है कि ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद का सबसे बड़ा क्या है, वॉर क्राइम जो रशिया ने किया है। He described the Russian military action was genocide. तो अब यहाँ दो टर्म आप देख रहे हैं, एक तो वॉर क्राइम और दूसरा जीनोसाइड। तो आखिर ये दोनों क्या, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि जो भी वर्ड्स मेंशन है ना, कहीं ना कहीं आपके पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, यूक्रेन के जो वेस्टर्न अलाइज है वो भी एक तो मत है, नाटो हो गया, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हो गया, या फिर यू काउंसिल हो गया, सब ने पूरी तरह से कंडेम किया है इस मैसेकर को जो बुच्चा में हुआ है। इंडिया ने, अगर हम बात करें तो इंडिया हैज आल्सो कंडेमड द किलिंग्स ऑफ सिविलियंस एट बुच्चा एंड बैक द कॉल फॉर एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इनटू द इंसिडेंट एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली हैज पब्लिश्ड सेंसर्ड एक्शंस ब्लेम्ड ऑन रशियन फोर्सेस। लेकिन इंडिया ने रशियन फोर्सेस का नाम नहीं लिया, जो भी चीज उनके ऊपर ब्लेम की गई उसके ऊपर कुछ पब्लिकली उन्होंने बोला है। इंडियास कंडेमनेशन ऑफ द सिविलियन किलिंग्स स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ ब्लेमिंग रशिया, हाउएवर द सपोर्ट फॉर इंडिपेंडेंट प्रोब इज सिग्निफिकेंट। तो भले ही रशिया का नाम नहीं लिया हो, लेकिन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करने का जो इंडिया ने बात रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में है। इंडिया हैड अर्लियर एब्सटेंड फ्रॉम अ वोट ऑन रिजोल्यूशन इन द ह्यूमन राइट्स काउंसिल अगेंस्ट रशिया। तो इंडिया ने अभी तक पूरी तरह से एक्टिवली कभी भी रशिया के खिलाफ बात नहीं की है, इट हैज ऑलवेज एब्सटेंड, या तो एब्सेंट रहा है या फिर वोटिंग नहीं की है। सो दिस रिजोल्यूशन वाज सीकिंग अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी टू लुक इनटू वायलेशन। तो अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर क्या किया है,
आपको इंडिया ने बूचा के लिए कंडेम किया है। अब हम लोग बात करते हैं जो टर्म्स यूज किए गए थे कि जिनोसाइड जो है और वॉर क्राइम क्या है। तो ये जो बूचा के लिंक है वो क्या है, जिनोसाइड है या वॉर क्राइम्स? तो पहले तो जानिए मतलब वॉर क्राइम्स क्या है। इट आर दे आर डिफाइंड एज ग्रेव ब्रीचेस ऑफ जिनेवा कन्वेंशंस एग्रीमेंट्स साइंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू दैट लेड डाउन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ड्यूरिंग वॉर टाइम। तो वॉर टाइम के दौरान भी आपको कुछ प्रोटोकॉल्स कुछ कन्वेंशन है जिनको फॉलो करना है, जैसे कि जिनेवा कन्वेंशन से बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए थे कि वर्ल्ड वॉर टू में बहुत बार बेलिक एक्ट्स देखा गया था, तो ये दोबारा रिपीट ना हो इसके लिए बहुत सारे साइंस एग्रीमेंट साइन किए हैं, कन्वेंशन साइन किए गए हैं। तो जब उनका ग्रेव ब्रीच होता है मतलब बहुत हाई लेवल पे इनका उल्लंघन होता है तो उसको वॉर क्राइम्स बोला जाता है। सो इन वॉर क्राइम्स द कंट्री इज डेलिबरेटली टारगेटिंग सिविलियन, जानबूझ के सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, इसको भी वॉर क्राइम बोला जाता है। एंड द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहाँ पे बेस्ड है, हेग में, हेग यानी कि कहाँ पे, नीदरलैंड्स, हैज ऑलरेडी ओपन एन इन्वेस्टिगेशन इनटू पॉसिबल वॉर क्राइम बाय रशिया। तो उसको ये लग रहा है कि ये वॉर क्राइम है और इसके ऊपर ऑलरेडी उन्होंने क्या कर दिया है, इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन को आप अगर देखें तो पुतिन को टारगेट किया जा सकता है, बिकॉज अगर आपको मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूँ तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर इंडिविजुअल्स को भी सजा सुनाई जा सकती है। जनरली हम जब आईसीजे की बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो उसमें सिर्फ मेंबर कंट्रीज को सजा सुनाई जा सकती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी सजा सुना सकता है। इवन पुतिन कैन ऑल्सो बी टारगेटेड, बट आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को रशिया रिकग्नाइज नहीं करता है। तो जब रशिया रिकग्नाइज ही नहीं करता है तो अल्टीमेटली उसके डिसीजन को फॉलो करेगा, दिस इज मोस्ट नॉट लाइकली टू हैपन। ठीक है, तो ये हो गया वॉर क्राइम। अब अगर हम बात करें जीनोसाइड का, तो जीनोसाइड आर डिफाइंड बाय यूनाइटेड नेशन जीनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948। तो इसके यूनाइटेड नेशन का अपना कन्वेंशन है जिसमें इसको डिफाइन किया जाता है। सो इट इंक्लूड्स एक्ट्स व्हिच आर कमिटेड विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय, इंटेंट था किसी का टू डिस्ट्रॉय इन होल पूरी तरह से या फिर पार्ट में थोड़ा सा में ए नेशनल एथनिकल रेसियल और रिलीजियस ग्रुप। सो जीनोसाइड की जब हम बात करें तो वो क्या है कि इंटेंट से क्या किया जाता है, किस इंटेंट से, टू डिस्ट्रॉय इन होल पूरी तरह से या फिर हल्का, एक नेशनल के पूरे एथनिकल या फिर रेसियल या रिलीजियस ग्रुप को पूरी तरह से नष्ट करने के इंटेंट से जब कुछ किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, जीनोसाइड। एंड इट इज सीन एज द ग्रेवेस्ट एंड मोस्ट सीरियस ऑफ ऑल क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो अगर कुछ जीनोसाइड्स के एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो जो होलोकॉस्ट हमारा हुआ था जिसमें लगभग 60 लाख ज्यूज की मौत हुई थी, कहाँ पे, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, उसकी बात करें 1915 से 20 में जो मास किलिंग हुआ था आर्मेनियंस का ऑटोमन टर्क्स के द्वारा, या फिर 8 लाख टुट्सीज और मॉडरेट्स को चूज कर रवांडा में 1994 में, सेरेबेनिका मासेकर 1995, ये सारे कुछ एग्जांपल हैं एज पर यूनाइटेड नेशन किसके, जीनोसाइड के। तो करंटली जो बोचा के अंदर किलिंग्स हुआ है इट इज नॉट फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ जीनोसाइड्स। हां, वॉर क्राइम्स के ऊपर ऑलरेडी आईसीसी ने केस इनिशिएट किया है, लेट अस वी कैन सी, वेट एंड सी दैट व्हाट एक्चुअली प्रोसीड्स फर्दर। बट हाँ, इस पर्टिकुलर न्यूज से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम कोई भी ऐसा एक्टिविटी जैसे यूक्रेन वॉर में जो है वो आउटराइटली ओपनली किसी चीज के ऊपर बात की है। सो नाउ यू कैन ऑल्सो सी दैट इंडिया इज एक्चुअली फॉलोइंग अ डीहाइड्रेशन पॉलिसी, ना ही वो रशिया को पूरी तरह से ब्लेम कर रहा है, ना ही वो रशिया के सपोर्ट में भी खड़ा है। तो ये क्लियरली हमारा जो है वो बहुत ही डिप्लोमेटिक स्टैंड जो है हम लोग देख रहे हैं। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल जो था आज का, वो इम्पोर्टेंट हमें डिस्कस किया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रिलिम्स ओरिएंटेड भी डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो विद रेफरेंस टू डैम सेफ्टी एक्ट ऑफ 2021 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट मैंडेट्स द सेटिंग अप ऑफ टू स्पेशलाइज्ड बॉडीज, नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी एंड नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। पहला स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है क्योंकि हम दो कमिटीज बनाने की बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू और हमने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया है। Second statement, the 2021 Act comprehensively provides for surveillance, inspection, operation and maintenance to prevent disasters caused by dams. Again, ये भी हमने already discuss किया है कि हमें ये क्या करना है, इस committee का ये काम जो है इस particular चीज के ऊपर काम करे। तो which of the following statement is correct? So the correct answer is both 1 and 2. Vanyas, a type of most backward community is found in which state? अभी आज के important newspaper में mentioned था कि बिना क्वांटिफाइबल डेटा के क्या होगा, रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, कोटा नहीं दिया जाएगा। ये वनियार जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तमिलनाडु में। उनको लेकर जो है वो क्या किया है, उनके रिजर्वेशन को अभी हाल ही में रिजेक्ट किया गया, इसलिए न्यूज में था वनियार।
With reference to Hindu Succession Act 1956, consider the following statements. It was enacted to amend and codify the law relating to interstate or unwilled succession among Hindus only.